देखिए, ये मजबूर किया जा रहा है हमें वापिस उस दौर के अंदर जाने के लिए, बैलगाड़ी टांगे और ठेले वाले दौर के अंदर। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह से मैं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा, मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा। देखिए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस से लेकर खाद्य पदार्थ खाद्य तेल, कोई भी अगर आप वस्तु को छूने की कोशिश करो, उस हर वस्तु पर आज महंगाई की मार है। महंगाई इस समय आसमान छू रही है, मगर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, जो इस समय मात्र चुनाव प्रचार के अंदर चुनावों की रणनीति बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत जो है ठोस रही है, मगर जनता को राहत देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आज रसोई गैस जो 7 साल पहले 400 रुपए की हुआ करती थी, आज 1000 का आंकड़ा छू रही है। पेट्रोल 1105 को पार कर चुका है। डीजल भी पेट्रोल को फॉलो करता हुआ 100 का आंकड़ा छूने को तैयार है। वो डीजल जो 50 से 60 रुपए के बीच में होता था, आज मैं केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मोदी सरकार और तमाम भाजपा विपक्ष के अंदर होते थे, उस समय जब महंगाई की मार पड़ती थी, ये सारे लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते थे। हम जो कद्दावर नेता स्मृति ईरानी जैसे सरकार को चूड़ियां भेंट करते थे, आज ये तमाम नेता आज मौन अपने घरों के अंदर बैठे हैं। जनता को राहत देने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि महंगाई से राहत देने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए और जनता को राहत दी जाए।